हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर क्लास बायोकेम बायोकेमिस्ट्री 311 फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी लेक्चर नंबर 3। आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है और हम जितना भी बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन है वो कवर कर रहे हैं इसमें, तो वो है कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। तो आज हम बात करेंगे बायोटेक के बारे में कि बायोटेक है क्या और फिर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन क्या क्या हैं इन एग्रीकल्चर में, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो कंटेंट जो हमारा रहेगा वो इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, प्लांट टिश्यू कल्चर, एग्रीकल्चर एप्लीकेशन, ये सब ये हमारा कंटेंट रहेगा। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय 1917 बाय हंगरियन इंजीनियर कार्ल एर्की। कार्ल एर्की जो साइंटिस्ट था वो कहाँ का था, हंगेरियन का था कार्ल एर्की, टू डिस्क्राइब ए प्रोसेस फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ पिग्स। उसने डिस्क्राइब किया था कि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना है पिग्स का, और उसी ने टर्म दिया था बायोटेक्नोलॉजी इन 1917 में। तो ये आपका हो गया एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो गया एक, अगर मान लो आता है कि बायोटेक्नोलॉजी टर्म किसने दिया, तो आपका आंसर हो जाएगा कार्ल एर्की। ये हो गया कार्ल एर्की इन 1970। बायोटेक्नोलॉजी कैन डिफाइन एज द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन यूजफुल प्रोडक्ट्स। बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि हम इसमें क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रयोग करते हैं, यूजिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन यूजफुल प्रोडक्ट्स, और ऑब्टेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कि हम प्राप्त कर सकें अपने डिजायरेबल प्रोडक्ट जो हमारे काम के हों उनको हम कर सकें। तो बायोटेक्नोलॉजी कैन आल्सो बी डिफाइंड एज टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन दैट यूज बायोलॉजिकल सिस्टम। ये क्या है, एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डेरिवेटिव्स देयर ऑफ टू मेक और मॉडिफाई प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस फॉर स्पेसिफिक यूज। ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन है एक दैट यूज बायोलॉजिकल सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिज्म या डेरिवेटिव देयर या लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो ड्राइव्ड हम निकाल लेते हैं, देयर टू मेक और मॉडिफाई, उन्हें बनाते हैं और मॉडिफाई करते हैं प्रोडक्ट्स और प्रोसेस फॉर स्पेसिफिक यूज। प्रोडक्ट्स को हम बनाते हैं, प्रोसेस करते हैं उनको फॉर स्पेसिफिक यूज, किसी स्पेसिफिक यूज के लिए। और एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी इज ए फील्ड अप्लाइड बायोलॉजी दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बायोप्रोसेस इन एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन। और जो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है उसमें हम जब बायोटेक का यूज करते हैं तो वो क्या हो जाती है, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी हो जाती है जब हम अपने एग्रीकल्चरल फील्ड में उसको प्रयोग करते हैं, एग्रीकल्चर के उपयोग के लिए करते हैं। जैसे बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल है, लेकिन बीटी ब्रिंजल को अभी क्या है कल्टीवेशन करने की मतलब ऑर्डर नहीं है उसका कल्टीवेशन करने का बीटी ब्रिंजल के लिए, तो बीटी कॉटन है वो अच्छे से प्रयोग कर रहा है। तो बीटी कॉटन एक सबसे अच्छा, बहुत ही अच्छा उदाहरण है किसका, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी का एग्जांपल है। फिर आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है, द स्टोरी ऑफ द यूज ऑफ बायोलॉजी सिस्टम फॉर द फुलफिलमेंट ह्यूमन नीड्स परहैप्स स्टार्टेड इन 6000 BC। ये जो है 6000 BC पहले से स्टार्ट हुआ, वेन समेरियंस एंड बेबीलोनियंस फर्मेंटेड काइंड ऑफ बियर्स। जब बेबीलोनियंस और ये समेरियंस थे, उन्होंने फर्मेंटेड की थी क्या, बियर को जब फर्मेंटेड किया था, ये 6000 BC समय की बात है, उस समय की फर्मेंटेशन, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, बैकिंग एंड ब्रिंग आर इंक्लूडेड इन ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। ये सभी किसमें आते थे, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। फर्मेंटेशन हो गया, जैसे हमारे यहाँ पे अपने हम देखते हैं कि सिरका बनाते हैं,
तो वो क्या होता है, फर्मेंटेशन, दही बनता है वो फर्मेंटेशन द्वारा बनता है। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, बैकिंग एंड ब्रोइंग एंड इंक्लूडेड इन ट्रेडिशनल बायो, ये सब क्या है, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में आते हैं। वेयर एज टेक्निक्स रिलेटेड विद सेल कल्चर, फ्यूजन, बायो प्रोसेसिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सेप्ट्रा वे आर नेम्ड एज मॉडर्न। और जो इस समय हम यूज कर रहे हैं, जैसे सेल कल्चर, फ्यूजन, जैसे सेल कल्चर हमने बनाया, फिर उसका फ्यूजन किया, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन फ्यूजन, बायो प्रोसेसिंग हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, और एक्सेप्ट्रा, ये नाम क्या है किसके, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, ये सभी आते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में। तो ये फिगर है कि 12,000 से 4,000 BC पहले बैगनिंग आल्सो एग्रीकल्चर प्लांट सिलेक्शन फर्स्ट यूज ऑफ ग्राफ्टिंग, और इन 1694 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर्ड इन प्लांट्स, 1694 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कवर किया गया प्लांट में, और 1876 में फर्स्ट इंटरजेनरिक क्रॉस वीट एंड रे, जो रिम्पू थे, रिम्पू साइंटिस्ट, इन्होंने क्रॉस करवाया था फर्स्ट इंटरजेनरिक क्रॉस, वो किस में कराया था, वीट और रे में क्रॉस कराया था, और उस वो जो अनाज मतलब जो प्लांट हुआ था उसका ट्रिटिकेल, उसको कहते हैं हम ट्रिटिकेल, इन दोनों से बनकर जो एब्बन प्रोजनी हुई उसको उन्होंने नाम दिया ट्रिटिकेल। और 1900 में क्या हुआ, हाइब्रिड मेज प्रोडक्शन विंग इन द US में 1900 में हाइब्रिड मेज का प्रोडक्शन किया, फर्स्ट प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन 1909 में किया गया, फिर 1927 में एक्सरे म्यूटेशन ब्रीडिंग, और 1927 में पहली बार एक्सरे द्वारा म्यूटेशन ब्रीडिंग की गई, फिर 1967 प्लांट रीजेनरेशन फ्रॉम आइसोलेटेड सेल, प्लांट को नया प्लांट बनाया गया किससे, फ्रॉम आइसोलेटेड सेल से, आइसोलेटेड सेल से जो है प्लांट का रीजेनरेशन किया गया। फिर उसके बाद 1973 फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल 1973 में बनाया गया, और 1983 में फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, 1983 में पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाया गया, फिर 1994 में फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड अप्रूवल, और ये इसको जो 1983 में जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्लांट बने थे, फिर उनको 1994 में जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड थे उनको अप्रूवल मिला कि हाँ ये सही है, ये इनकी कल्टीवेशन कर सकते हैं। फिर इसी में हमारा आता है बायोटेक्नोलॉजी में प्लांट टिश्यू कल्चर, ये भी एक मेन पार्ट है प्लांट टिश्यू कल्चर का, प्लांट टिश्यू कल्चर बायोटेक्नोलॉजी का, इसका भी बहुत बड़ा योगदान है एग्रीकल्चर में। प्लांट टिश्यू कल्चर इज द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट सेल, प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, इस टेक्निक में हम करते हैं ग्रोइंग प्लांट सेल, प्लांट सेल को आइसोलेट करके हम इसमें ग्रोइंग करते हैं। टिश्यूज एंड ऑर्गन इन एन आर्टिफिशियल प्रिपेयर्ड न्यूट्रिएंट मीडियम, स्टैटिक और लिक्विड अंडर असेप्टिक कंडीशन, हम असेप्टिक कंडीशन में जो प्लांट सेल होती हैं उनको हम ग्रो करते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम में, और वो न्यूट्रिएंट मीडियम कैसे होते हैं, वो लिक्विड होते हैं या स्टैटिक भी होते हैं, तो उन पे हम ग्रो करते हैं, और वो कैसी होती है, असेप्टिक कंडीशन होती है, कंट्रोल कंडीशन होती है, जहाँ पे कोई भी कंटामिनेशन ना हो, कोई भी वायरस बैक्टीरिया फंगस ना हो, इसलिए उनको हम असेप्टिक कंडीशन बोलते हैं उसको। तो प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या है कि सेल को, जो प्लांट से आइसोलेट सेल होती है उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में हम ग्रो करते हैं इन असेप्टिक कंडीशन। तो ये हो गया हमारी प्लांट टिश्यू कल्चर। तो प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है, देखो, ए प्लांट पार्ट इज कल्चर्ड, यहाँ पे ये एक पैट्री डिश है, और इसमें क्या है, ए प्लांट पार्ट इज कल्चर्ड, ए प्लांट पार्ट लिया उसको कल्चर्ड कर दिया, इसमें कल्चर्ड है, इसमें न्यूट्रिएंट मीडियम है इसमें, फिर कैलस ग्रो, उसके बाद कैलस बन जाता है इसमें, कैलस के बाद क्या होता है, सूट डेवलप, उसके बाद कैलस ग्रो होने के बाद उसमें सूट का डेवलपमेंट होता है, ये देखो पत्तियां यहाँ पे निकल आई हैं, फिर सूट्स आर रूटेड, फिर पहले सूट ग्रो होता है उसके बाद रूट्स निकलती हैं, रूट्स, सूट्स आर रूटेड, सूट्स में क्या होगी, रूट्स निकल आएंगी एंड प्लांट ग्रोज टू मैच्योरिटी, और उसके बाद पूरा प्लांट बन जाता है। जब सूट्स निकल आते हैं उसके बाद
उसमें रूटिंग होती है, फिर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं गमले में, कुछ दिन के लिए हम क्या करते हैं उसको ग्रीन हाउस में रखते हैं, इसमें कंट्रोल कंडीशन में रखते हैं, उसके बाद हम फील्ड में लगा देते हैं उसको नेचुरल कंडीशन में, और फिर क्या है प्लांट हमारा ग्रो करता है। ये है प्लांट टिश्यू कल्चर की एक सिंपली ये क्या है एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है। फिर आता है जीन गन। जीन गन क्या है, जब हमें कोई भी जीन ट्रांसफ़र करना होता है कि हमने कोई स्पेसिफिक जीन आइडेंटिफाई किया है किसी बैक्टीरिया के लिए या फंगस के लिए या इंसेक्ट के लिए, और हमने उससे हमें उसे इंट्रोड्यूस कराना है प्लांट में, उसके लिए हम यूज करते हैं जीन गन। ये क्या है, जीन ट्रांसफ़र मेथड है। जीन गन एक क्या है, जीन ट्रांसफ़र मेथड, जीन ट्रांसफ़र कि जीन ट्रांसफ़र मेथड जीन गन। तो डीएनए वेक्टर इज क्वेटेड ऑन टू गोल्ड आर टंगस्टन पार्टिकल। इसमें हम क्या यूज करते हैं जीन गन मेथड में, डीएनए के जो वेक्टर मतलब वाहक जो हमें डीएनए जो हमें पहुंचाना है, उस डीएनए को हम छोटे छोटे ऐसे बहुत माइन्यूट होते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं ये पार्टिकल होते हैं, उन पे हम क्या करते हैं पार्टिकल्स पे डीएनए जो होता है जो हमें ट्रांसफ़र करना होता है उसको गोल्ड या टंगस्टन के पार्टिकल ऐसे छोटे छोटे उन पे कोटेड करा देते हैं, उन पे कोट करा देते हैं, मतलब उनके ऊपर लेयर चढ़ा देते हैं उस डीएनए की। एंड पार्टिकल्स आर एक्सीलरेटेड एट हाई स्पीड्स बाय द गन। और ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, हाई स्पीड प्रेशर से वो गन द्वारा प्लांट में इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, इंटर कराए जाते हैं। पार्टिकल्स एंटर प्लांट टिश्यू, और वो प्लांट टिश्यू में क्या करा जाते हैं, जो प्लांट की जो टिश्यूज होती हैं उनमें इंटर करा देते हैं। पार्टिकल्स आर एसोसिएटेड हाई स्पीड द्वारा प्लांट टिश्यू में हम ये पार्टिकल को इंटर करा देते हैं। फिर डीएनए इंटर्स द न्यूक्लियस एंड इनकॉर्पोरेट इन क्रोमोसोम। और डीएनए जो है न्यूक्लियस होता है जो सेल में न्यूक्लियस होता है, उसमें क्या होते हैं क्रोमोसोम होते हैं। तो डीएनए जो है जो हमने इंटर कराया है सेल में वो न्यूक्लियस में जाएगा, न्यूक्लियस के बाद वो इनकॉर्पोरेट करेगा किसमें, क्रोमोसोम में इनकॉर्पोरेट कर जाएगा और वो अपना वर्क स्टार्ट कर देगा। फिर इन्हांसमेंट इन न्यूट्रिशनल इन प्लांट। तो न्यूट्रिएंट का इन्हांसमेंट, मतलब न्यूट्रिएंट हम बढ़ा सकते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर द्वारा। जैसे फिर एक है फ्रूट विद वैक्सीन, ये केला है और नॉल हॉल मतलब गांठ गोभी जो होती है नॉल हॉल, उसमें भी क्या है उनको डेवलप किया गया है वैक्सीन के साथ। इनको हम जब खाएंगे हमें अलग से, जैसे अभी हम क्या है कोई डिजीज होता है या कोई रोग होता है तो हम अलग से वैक्सीन उसकी लेते हैं या टीकाकरण जो होता है, लेकिन कई वैरायटी कई फ्रूट ऐसे डेवलप किए गए हैं, कई वैक्सीन उनमें डाल के की गई कि हम उनको फ्रूट खाएंगे उसके साथ और वो वैक्सीन भी हमारे अंदर चली जाएगी, तो हमें अलग से वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो जैसे ये बनाना है ये वैक्सीन के विद वैक्सीन डेवलप किया गया है। ग्रेन्स विद इम्प्रूव न्यूट्रिशन, ग्रेन को जैसे राइस में एक आपने नाम सभी ने सुना होगा गोल्डन राइस, एक गोल्डन राइस है सुनहरा राइस जो बीटा कैरोटीन उसमें ज़्यादा होता है, जो बीटा कैरोटीन से रिच होता है वो क्या है उसमें ग्रेन को मतलब उसकी न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया। तो ये सब क्या है हमारे एग्रीकल्चर के ही तो एप्लीकेशन है बायोटेक की। तो ये सब, और फिर टोमेटो विद डिलेड इन राइपनिंग। तो टोमेटो क्या होता है, जैसे जनरली हम देखते हैं टमाटर क्या होता है कि जो टोमेटो होता है उसकी बाहरी लेयर क्या होती है एकदम लूज हो जाती है दो तीन दिन बाद, लेकिन जो बाहरी लेयर होती है इसमें पैक्टिन होता है, जो हमारी टोमेटो होता है ये हमारा टोमेटो हो गया टोमेटो, तो इस पर क्या होता है ये बाहरी लेयर पे क्या होती है पैक्टिन होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है इसको पकाने के लिए,
और जिससे एकदम ज़्यादा पक जाता है, जब ये पैक्टिन घुलनशील हो जाती है तो इसकी जो बाहरी लेयर होती है टोमेटो की, वो क्या हो जाती है, बहुत ही लूज हो जाती है। तो इसमें पैक्टिन में क्या होता है, जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम, ये एंजाइम क्या होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस पैक्टिन को सॉल्युबल मतलब घुलनशील बनाने में। इसीलिए हम जो फ्लेवर सेवर टोमेटो है उसमें क्या किया गया है, जो ये एंजाइम है इसको रोक दिया जाता है, वो डीएनए टेक्निक्स द्वारा रोक दिया जाता है, इसका जो एंजाइम होता है वो वर्क नहीं करता है एंजाइम, जिससे कि क्या होता है, जब एंजाइम वर्क नहीं करता है तो ये पैक्टिन जो होती है वो घुलती नहीं है और इसकी जो बाहरी सतह परत होती है वो कठोर रहती है, और ये क्या होता है फिर इसको जो लंबे समय तक हम सेफ रख सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं लंबे समय के लिए। तो ये हमारी बात हो गई कि फ्लेवर सेवर टोमेटो की। फिर आता है एग्रीकल्चर एप्लीकेशन, पिछले भी थे और अब बता रहे हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। तो ट्रांसजेनिक प्लांट में क्या है, ऑर्गेनिज्म इन विच फॉरेन डीएनए हैज बीन आर्टिफिशियली इनकॉर्पोरेटेड इनटू जीनोम। जब किसी ऑर्गेनिज्म में हम फॉरेन डीएनए को आर्टिफिशियली इनकॉर्पोरेट करा देते हैं, मतलब उसमें इंटर करवा देते हैं इनटू इट्स जीनोम, उसके जीनोम में, तो वो क्या होता है, ट्रांसजेनिक होता है। एंड मेजर क्रॉप प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक हैव बीन सो वेलकम्ड बाय फार्मर्स दैट करंटली ए थर्ड ऑफ द कॉर्न एंड अबाउट 3/4 ऑफ द सोयाबीन एंड कॉटन ग्रोन आर वैरायटी डेवलप्ड थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। और जो मेजर क्रॉप है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा डेवलप की गई, उसमें सबसे अच्छी जो सभी जो फार्मर हैं उन्होंने इस टेक्निक का वेलकम स्वागत किया है और अच्छे से उनकी खेती कर रहे हैं, जैसे वीटी कॉटन है और ये कॉर्न मक्का है, सोयाबीन है, ये सब क्या है, ट्रांसजेनिक क्रॉप है, इनको बहुत ही अच्छे से लोगों ने अडॉप्ट किया है, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही अच्छी क्रॉप है किसके लिए, जैसे बीटी कॉटन है तो उसमें जो बॉल वॉर्म है वो नहीं लगता है, बॉल वॉर्म के अगेन रेसिस्टेंट है। सिमिलरली फूड ड्राइव फ्रॉम ट्रांसजेनिक प्लांट हैव बीन कॉल्ड जीएमओ फूड। और जो फूड है हमारे जो बायोटेक द्वारा डेवलप किए गए हैं उनको हम क्या कहते हैं, जीएमओ यानी कि जेनेटिकली मोडिफाइड फूड्स या जीएमपीएस, जेनेटिकली मोडिफाइड प्रोडक्ट्स, जेनेटिकली मोडिफाइड फूड्स या जेनेटिकली मोडिफाइड प्रोडक्ट्स हम कहते हैं, एंड बायोटेक फूड्स या बायोटेक फूड कहते हैं, वाइल्ड सम रेफर्स टू फूड्स डेवलप्ड फ्रॉम जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एज बायोटेक्नोलॉजी इन्हांस्ड फूड। और जो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी द्वारा ये बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इन्हांस करती है, फूड्स को बढ़ाती है। स्टेप्स इन जेनेटिकली जेनेटिक मोडिफिकेशन, तो ये स्टेप्स हैं जेनेटिक मोडिफिकेशन के। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, वी फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि ये क्या है, स्टेप्स इन जेनेटिक मोडिफिकेशन, मतलब जेनेटिक मोडिफिकेशन हमें करना है तो हम कैसे करेंगे। तो पहली जो हमारी सबसे पहले नंबर जो स्टेप्स है वो है आइडेंटिफाई जीन फॉर इंटरेस्ट फ्रॉम डोनर ऑर्गेनिज्म प्लांट और बैक्टीरिया। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे जीन आइडेंटिफाई। तो जीन को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया हमने, वो हो सकता है चाहे प्लांट से भी हो सकता है, किसी बैक्टीरिया से भी हो सकता है। फिर आइसोलेट जीन ऑफ इंटरेस्ट, हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, ये आइसोलेट कर लिया यहाँ से, ये हमारा आ गया जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये जीन हमारा आ गया, आइसोलेट हमने कर लिया जीन। फिर इंटरेस्ट द जीन इंसर्ट द जीन इन ए प्लाज्मिड, उसके बाद जो हमारा जीन है उसको हम इंसर्ट कराएंगे किसी प्लाज्मिड में। प्लाज्मिड क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं, मतलब वाहक होते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो प्लाज्मिड क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। प्लाज्मिड इज ए सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल,
ये एक गोलाकार डीएनए होते हैं और इनको हम यूज करते हैं एज ए वैक्टर, एज ए भाग यूज करते हैं। तो ये क्या है, प्लाज्मिड है। तो प्लाज्मिड को फिर हम क्या करते हैं, ये जीन जो हमारा, इसको हम इंसर्ट कराते हैं प्लाज्मिड में। वो कैसे कराते हैं, वो ऐसे कराते हैं कि जो ये प्लाज्मिड और जीन है इनको हम क्या करेंगे, कट करते हैं, कट बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा हम कट करते हैं, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अप्लाई करते हैं जीन को काटने के लिए और प्लाज्मिड को काटने के लिए। वो कैसे करते हैं हम अप्लाई, वो ऐसे करते हैं कि एक क्योंकि जीन का साइज अगर बड़ा है और इसमें हमें, और ये वेक्टर है उसमें भी तो हमें जगह चाहिए कहीं पे इसको इंसर्ट करने के लिए। तो अगर ये जीन, ये जो है वेक्टर जो है वेक्टर, उसके बाद क्या होगा, जीन इनके द्वारा कटिंग के बाद क्या होगा, जीन क्या होगा, छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाएंगे, ये ऐसे ऐसे टूट जाएंगे छोटे छोटे हिस्सों में। और ऐसे ये वेक्टर क्या होगा, ये भी छोटे छोटे हिस्सों में कट जाएगा, मतलब एक यहाँ पे भी होल बन जाएगा। यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, इस कटे हुए प्लाज्मिड को और कटे हुए जीन को हम इंसर्ट कराएंगे, जोड़ेंगे। वो कैसे जोड़ते हैं, इन दोनों को हमें जोड़ना है, तो हम यहाँ पे यूज कर देंगे लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम क्या होता है, ये डीएनए ग्लू होता है। जैसे हम किसी, जैसे हमारी बुक्स या किसी को जोड़ने के लिए हम अपना ग्लू यूज करते हैं, वैसे ही इसमें इसका ग्लू होता है लाइगेज एंजाइम। इसके बाद ये क्या होगा, ये बन जाएगा संपूर्ण, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। वो कैसे कंप्लीट होगा, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि ये यहाँ पे ये इंसर्ट हो गया है और ये कंप्लीट हो गया इसमें, और ये जो बनता है फिर ये यहाँ पे हमारा क्या है, डीएनए, जो हमने डीएनए का हिस्सा है वो क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, आरडीएनए, इसी को हम बोलते हैं आरडीएनए, और डीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए नया। फिर उसके बाद क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लाई द जीन कंस्ट्रक्शन। फिर उसके बाद हम यहाँ पे यूज करते हैं स्टेरेसिया इकोलाई की सेल यूज करते हैं, वो किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन की, वो एज ए होस्ट सेल यूज करते हैं प्लाज्मिड के लिए, क्योंकि जो इच्चेरेसिया कोलाई की जो सेल होती है वो कैसी होती है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती है। और प्लाज्मिड होते हैं, इनकी भी एक प्रॉपर्टी होती है बहुत अच्छी, वो क्या होती है, सेल्फ रेप्लिकेशन, ये खुद अपनी प्रतिकृति बनाते हैं, रेप्लिकेट खुद को करते हैं, ऐसे ही वो करती है। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छा होता है। फिर ये मल्टीप्लिकेट हो गए, फिर उसके बाद क्या करेंगे, बायोलॉजिकल ट्रांसफ़र यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम प्लाज्मिड, बायोलॉजिकल ट्रांसफ़र। फिर हम बायोलॉजिकल मेथड यूज करते हैं, जैसा कि हमने पहले आपको बताया था, वो था जीन गन मेथड, वो था डायरेक्ट मेथड। फिर बायोलॉजिकल मेथड द्वारा हम जीन ट्रांसफर करेंगे यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम प्लाज्मिड मूव्स इनटू प्लांट सेल एंड इंसर्ट डीएनए इनटू प्लांट क्रोमोसोम। अब हम आपको थोड़ा शॉर्ट में ही बताएंगे, क्योंकि ये पूरी, अगर ये पूरा एक टॉपिक है बहुत बड़ा। तो इसके बाद हम ये एग्रोबैक्टीरियम यूज करते हैं, ये जो बायोलॉजिकल एजेंट है ये एग्रोबैक्टीरियम, जिसके द्वारा हम, जिसकी सहायता से हम प्लांट में इंटर करवा देते हैं, जो हमारा जो इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसको हमने इंटरेस्ट करा दिया, इंसर्ट करा दिया प्लांट सेल में। फिर सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल, इसके बाद हम सिलेक्शन करते हैं ट्रांसफॉर्म सेल को विद ए सिलेक्टिवल मार्कर, सिलेक्टिवल मार्कर द्वारा हम सिलेक्ट कर लेते हैं ये कि कौन कौन सी सेल में जीन ट्रांसफ़र हुआ है। तो उसके बाद प्लांट रीजेनरेशन, ट्रांसजेनिक प्लांट रीजेनरेटेड फ्रॉम सिंगल ट्रांसफॉर्म सेल। फिर जो हमारी ट्रांसफॉर्म सेल है उनसे हम क्या करते हैं, प्लांट का रीजेनरेशन करते हैं, जैसे हम टिश्यू कल्चर में कर रहे थे वैसे ही यहाँ पर रीजेनरेशन हो जाता है प्लांट का। उसके बाद इवेल्युएट जीन एक्सप्रेशन, उसके बाद जीन एक्सप्रेशन देखते हैं, इवेल्युएट करते हैं उसको। फिर ऐड टू अदर वेराइटीज बाय प्रोसेस, और उसके बाद उसको हम ऐड कर लेते हैं अदर वेराइटीज में बाय द प्रोसेस।
तो ये हमारी बात थी स्टेप्स इन जेनेटिक मॉडिफिकेशन, कैसे करते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन। फिर आता है फॉलोइंग आर फ्यू एग्जांपल्स आर बेनिफिट्स रिजल्टिंग फ्रॉम अप्लाइंग करंटली अवेलेबल जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक टू एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। तो इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्टिविटी, क्रॉप प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, इन्हांस क्रॉप प्रोटेक्शन और क्रॉप प्रोटेक्शन बढ़ा, और इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग में इम्प्रूवमेंट हुआ, और इम्प्रूवमेंट न्यूट्रिशनल वैल्यू जैसे गोल्डन राइस बताया था। फिर बेटर फ्लेवर, फ्लेवर के लिए भी हम यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बेनिफिट्स फॉर डेवलपिंग और नई नई वैरायटी को भी डेवलप करने में हम इसका यूज कर सकते हैं। फिर सोमाक्लोनल वेरिएशन, तो सोमाक्लोनल वेरिएशन का भी हम यूज करते हैं। वो जो सोमाक्लोनल वेरिएशन होता है वो क्या होता है, द प्रोडक्शन ऑफ प्लांटलेट्स बाय कैलस रीजनरेशन सेल सस्पेंशन प्रोटोप्लास्ट कल्चर प्रेजेंट सम डेविएशन विद रिगार्ड्स टू द मदर प्लांट। मदर प्लांट से हम जब कैलस रीजनरेशन या सेल सस्पेंशन द्वारा हम क्या करते हैं, जब प्रोडक्शन करते हैं प्लांट्स का, तो हम उसको क्या है, सोमाक्लोनल वेरिएशन। दिस इज ए वे टू इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं जेनेटिक वेरिएबिलिटी को, क्योंकि जब जेनेटिक वेरिएबिलिटी जब होगी तभी सिलेक्शन होगा। और इन 1976 पेलार्गोनियम सीवी वेलवेट रोज बाज क्रिएटेड बाय दिस टेक्निक। और सीवी वेलवेट ने रोज को क्रिएटेड किया था सोमाक्लोनल वेरिएशन द्वारा 1976 में। एप्लीकेशन ऑफ सोमाक्लोनल वेरिएशन, एप्लीकेशन इसके क्या है, जैसे इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग क्लोनल कल्चर, सुगर केन वैरायटी डेवलप की गई जैसे पिनार पैरेंट पूसा जय किसान मस्टर्ड में, और पैरेंट इसका कौन था, इसका पैरेंट वन था, इसकी पैरेंट कौन थी, पूसा जय किसान का पैरेंट थे ये वरुणा। सिलेक्शन फॉर हायर यील्ड एंड डिजीज रेसिस्टेंस, ये सिलेक्शन किसके लिए किया गया है, हायर यील्ड के लिए और डिजीज रेसिस्टेंट को डेवलप करने के लिए। फिर है पोटैटोज, यील्ड एंड डिजीज रेसिस्टेंट कुफरी स्पेसीज, पोटैटो में डेवलप की गई यील्ड और डिजीज रेसिस्टेंट के लिए वो कुफरी स्पेसीज में किया गया। फिर इम्प्रूवमेंट ग्रेनियम्स, ग्रेनियम्स एग्जाम्पल सेंटेड वेराइटीज। फिर वुडी ऑर्नामेंटल्स, वुड प्लांट्स में भी किया गया इसको। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, वो क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड प्लांट थ्रू द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू डिफरेंट प्लांट स्पेसीज वैरायटी इज कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन एंड सच हाइब्रिड्स आर नोन एज सोमैटिक हाइब्रिड्स। जब हम प्रोडक्शन करते हैं हाइब्रिड का विद किसके द्वारा, जब हम दो डिफरेंट प्लांट के प्रोटोप्लास्ट को मिलाकर जब हम वैरायटीज या स्पेसीज जो होती डिफरेंट प्लांट की उनके दोनों के प्रोटोप्लास्ट को मिलाकर जब हम कोई प्रोजनी तैयार करते हैं, कोई प्लांट तैयार करते हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सच हाइब्रिड आर नोन एज सोमैटिक हाइब्रिड। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन द्वारा देखो क्या किया गया है, डेवलप इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन डन बिटवीन टू स्पेसीज जैसे निकोटियाना टैबेकम एंड निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिस। इससे क्या हमारी जो टोबैको जो हम कल्टिवेट कर रहे हैं। फिर इंटरजेनरिक क्रॉस, इंटरजेनरिक हाइब्रिडाइजेशन डन बिटवीन टू जेनेरा, वीट और रे के बीच में हमने क्रॉस करवाया और उनके प्रोटोप्लास्ट मिलाए जो रिम्पू ने 1890 में दिया था, उससे टेटिकेल बना। सिंथेटिक सीड, सिंथेटिक सीड को भी हम डेवलप कर सकते हैं टिश्यू कल्चर इस बायोटेक्नोलॉजी द्वारा। सिंथेटिक सीड आर डिफाइंड एज आर्टिफिशियल इनकैप्सुलेटेड सोमैटिक एम्ब्रियो। ये क्या है, इनकैप्सुलेटेड होता है सोमैटिक एम्ब्रियो, वो कैसे, आर्टिफिशियली हम कैप्सूल बनाते हैं और डेवलप करते हैं आर्टिफिशियल सूट, और उसमें जैसे सूट वर्ड्स सेल एग्रीगेट्स और एनी अदर टिश्यू दैट कैन बी यूज फॉर सोइंग एज ए सीड एंड दैट प्रोसेस अवेलेबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू ए प्लांट अंडर इन विट्रो आर एक्स विट्रो कंडीशंस एंड दैट आर रिटेन दिस पोटेंशियल आल्सो आफ्टर स्टोरेज। और इसमें हम जो आर्टिफिशियल सीड प्रोडक्शन है इसमें हम यूज कर सकते हैं क्या क्या यूज कर सकते हैं, जैसे सोमैटिक एम्ब्रियो और सूट वर्ड्स और सेल एग्रीगेट्स और एनी अदर प्लांट टिश्यू जो कि जनरेट हो जाए पूरे प्लांट में, होल प्लांट में।
तो द फर्स्ट सिंथेटिक सीड वर प्रोड्यूस्ड बाय कीटो कीटो एंड जेनिक इन 1982 यूजिंग कैरेट सोमैटिक एम्ब्रियो कैरेट का सोमैटिक एम्ब्रियो यूज करके कीटो और जेनिक ने 1892 में पहला आर्टिफिशियल सीड प्रोडक्शन किया था पहला। तो अगर क्वेश्चन आता कि सबसे पहली बार कौन आर्टिफिशियल सीड किस में बनाया गया था तो वो कैरेट में, और क्या यूज करके, कैरेट का सोमैटिक एम्ब्रियो यूज करके बनाया गया। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक सीड, कैरेक्टरिस्टिक क्या है सिंथेटिक सीड के, जैसे हाई वॉल्यूम लार्ज स्केल प्रोपागेशन मेथड, इसे हम हाई वॉल्यूम पर मतलब लार्ज स्केल पर प्रोपागेशन कर सकते हैं। मेंटेन जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्लांट, और इससे जेनेटिक जो यूनिफॉर्मिटी होती है वो मेंटेन होती है फुल्ली। एंड डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ प्रोपाग्यूल्स टू द फील्ड दस एलिमिनेटिंग ट्रांसप्लांट्स, और इसके द्वारा हम डायरेक्टली हम इसको यूज कर सकते हैं फील्ड में। एंड लोअर कॉस्ट पर प्लांट लाइन और रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट, इससे जल्दी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं प्लांट का। पपाया में सिंथेटिक सीड डेवलप किया गया है, वेरियस डेवलपमेंट स्टेट ड्यूरिंग रीजेनरेशन आर्टिफिशियल सीड इन कैरिका पपाया, पपाया में डेवलप किया गया है। सोमैटिक एम्ब्रियो इन लिक्विड कल्चर आफ्टर 30 डेज इन मैचुरेशन मीडियम, 30 दिन के लिए सोमैटिक एम्ब्रियो को लिक्विड कल्चर में 30 दिन के लिए डाल दिया जाता है। और सोमैटिक एम्ब्रियो एट द साइटल कॉटिलिडनरी स्टेज, और जब सोमैटिक एम्ब्रियो कॉटिलिडनरी स्टेज पे आ जाता है फिर आर्टिफिशियल सीड्स इनकैप्सुलेटेड इन 2.5% सोडियम एल्जिनेट, सोडियम एल्जिनेट का 2.5% का जो होता है, 2.5% जो सोडियम एल्जिनेट होता है उसका हम कैप्सूलिंग करा देते हैं, उस पर कोट करा देते हैं इसकी, और जर्मिनेटिंग आर्टिफिशियल सीड, और जर्मिनेट हो जाता है आर्टिफिशियल सीड। देखो ये जैसे ये सीड बना है, इस पर सोडियम एल्जिनेट का कैप्सूलिंग हुई है और उसके बाद ये जर्मिनेट हो जाता है जब हम इसको ग्रो करते हैं। फिर उसके बाद ये देखो, ए प्लांटलेट जर्मिनेट फ्रॉम एन आर्टिफिशियल सीड ऑन ग्रोथ रेगुलेटर वेसल एमएस मीडियम, एमएस मीडियम में हमने ये इसको ग्रो किया है और ये प्लांटलेट देखो ग्रो हुआ है। ए प्लांटलेट शोइंग नॉर्मल डेवलपमेंट आफ्टर जर्मिनेशन फ्रॉम ए आर्टिफिशियल सीड, जब हमने आर्टिफिशियल सीड से प्लांटलेट को जर्मिनेट किया तो वो एक नॉर्मल प्लांट की तरह जर्मिनेट हुआ। फिर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं कि डेवलपमेंट ऑफ मेथड्स एंड मशीनरी ऑफ मास हैंडलिंग सिंथेटिक सीड बोथ ड्यूरिंग प्रोडक्शन, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जैसे डेवलप कर सकते हैं सिंथेटिक सीड और डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्निक, नई टेक्निक का डेवलपमेंट कर सकते हैं फॉर एक्सबिट्रो और डायरेक्ट सोइंग ऑफ सिंसीड टू सॉइल अंडर नॉन स्ट्राइल कंडीशन टू मेक फिजिबल एंड प्रैक्टिसेस। तो ये हमारे आज की जो लेक्चर था, और ये सब क्या है बेनिफिट्स ऑफ एग्री बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, जैसे हम पिछले पीछे से ही बताते चले आ रहे हैं कि हाई क्रॉप यील्ड, क्रॉप परफॉर्मेंस अच्छी होती है, एनवायरनमेंट रेसिस्टेंट क्रॉप, एनवायरनमेंट रेसिस्टेंट के लिए भी क्रॉप को हम डेवलप कर सकते हैं, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट एज ए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जैसे गोल्डन राइस था, और पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप जैसे बीटी कॉटन हो गया, इम्प्रूव साइज को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन पेस्टिसाइड, जब पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप होगी तो पेस्टिसाइड की भी ज़रूरत कम पड़ेगी। तो ये जितने भी हमने इसमें एग्जाम्पल बताए वो अगर आपके पेपर में आता है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, तो उसमें हम बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन लिखेंगे और दो एक एग्जाम्पल लिखेंगे, उसके बाद एग्रीकल्चर में क्या इसका एप्लीकेशन है, तो उसमें ये सारी जितने भी हमने एग्जाम्पल बताए हैं जैसे बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल, और ये फ्लेवर सेवर टोमेटो, आर्टिफिशियल जी, सोमाक्लोनल वेरिएशन, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, ये सब क्या है एग्रीकल्चर के एप्लीकेशन है। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके।